नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एरर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और हमने बताया था कि जो एरर का जो कॉमन फार्मूला होता है, जो उसका ट्रू वैल्यू होता है और जो मेजर वैल्यू होता है, अगर हम उन दोनों का डिफरेंस कर दें तो हम एरर को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ें किसमें हैं, एब्सोल्यूट एरर में है। अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर का कॉमन फॉर्मूला देखें सबसे पहले, तो क्या है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या है। तो हमने आपको ट्रू वैल्यू के बारे में बताया था कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम उसमें कई बार रीडिंग लेते हैं, जैसे 3 बार ले लिया, 5 बार ले लिया, फिर 10 बार ले लिया। तो उन सभी रीडिंग्स को ऐड करके जितने टाइम हमने लिया है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसका जो अर्थमेटिक मीन है उसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन को ही क्या मानते हैं, यहाँ पे ट्रू वैल्यू मानते हैं। और ये क्या देख रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मानो हमने फर्स्ट टाइम कितना मेजर करा था, सेकेंड टाइम कितना करा था, थर्ड टाइम कितना करा था, मतलब अलग अलग जो वैल्यू मेजर करी गई हैं हम उनका अलग अलग देखना चाहें कि एरर कितना है, फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एरर आया है, सेकेंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, ऐसे ही आगे देखें। तो अगर हम ट्रू वैल्यू में से जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू अगर उसको घटा देंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, निरपेक्ष त्रुटि। अब जैसे मान सकते हैं कि मान लो कि फर्स्ट मेजरमेंट में हमारे पास जो वैल्यू आई थी, हमने कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करा था तो फर्स्ट मेजरमेंट में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो A1 आ गई थी। A1 जैसे मान लो कि 2.3 सेंटीमीटर आया था फर्स्ट मेजरमेंट में, या 3.4 सेंटीमीटर आया था, उसको हमने A1 मान लिया है। सेकेंड मेजरमेंट में मान लो कि A2 आ गया था, थर्ड मेजरमेंट में कि कोई वैल्यू A3 आ गया था। ऐसे हम लोग आगे करते चले जाएं कितने मेजरमेंट, तो AN तक हमको वैल्यू मिलती चली जाएगी। और हम अगर इसका ट्रू वैल्यू देखना चाहें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसका अर्थमेटिक मीन, तो हम उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए मीन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में माध्य या फिर औसत बोलते हैं। तो ए मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, जितनी भी हमारे पास वैल्यू मेजर करी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज का, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितने भी एंड टाइम तक काउंट करिए, उन सभी को ऐड कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An अपॉन, अब कितने टाइम लिया उसको नीचे से n से डिवाइड कर देते हैं, जितने टाइम लिया उतने टाइम से नीचे से डिवाइड कर देते हैं आप लोग। तो हमारे पास ये A मीन आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो हम इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट An अपॉन n को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि जो लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1, 2, 3 से लेके n तक जा रहा है, तो इसलिए i इज इक्वल टू 1 to n लिख देते हैं। और क्या लिख देंगे इसको, AI भी लिख सकते हैं। तो जो अर्थमेटिक मीन है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। तो ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, और इस ट्रू वैल्यू की जगह पर हम लोग इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो कैसे कैसे आ सकता है। तो जो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर आया है, तो हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट या फिर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो जो हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उस टाइम पे कितना एरर आया होगा, तो हम देख लेते हैं। हमको पता है क्या होता फॉर्मूला, ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, जो ए मीन था, तो ए मीन हमारे पास क्या था, ये ट्रू वैल्यू था और माइनस, और हमारे पास जो फर्स्ट टाइम मेजर वैल्यू क्या था, A1। तो हम इसको जो एरर आया है फर्स्ट टाइम उसको हम लोग डेल्टा A1 से भी शो कर सकते हैं। डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। ऐसे ही इसी प्रकार हम लोग एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट में देखना चाहें, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं डेल्टा A2 से, किससे,
डेल्टा ए टू, तो क्या हो जाएगा ए मीन माइनस ए टू, तो डेल्टा ए टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए मीन माइनस ए टू। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग और भी निकालना चाहें डेल्टा ए थ्री, तो क्या हो जाएगा ए मीन माइनस ए थ्री, ऐसे आगे होता चला जाएगा। और अगर हम देखना चाहें कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर का भी हम लोग अगर मीन निकालना चाहें एरर को ठीक से समझने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एरर आए हैं उन सभी को जोड़ के जितने टाइम हमने उनको जोड़ा है उतने का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। जैसे मानो फर्स्ट टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या आया था डेल्टा ए वन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या आया था डेल्टा ए टू, ऐसे ही थर्ड में क्या आएगा डेल्टा ए थ्री, ऐसे ही कितने तक आ सकते हैं डेल्टा ए एन तक आ सकते हैं, और अपोन एन का हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, और जब एन का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो हम इसको एब्सोल्यूट एरर का मीन बोल देते हैं। अब इसका क्या आवश्यकता है हमको, एब्सोल्यूट एरर के मीन का क्या आवश्यकता है, इसको समझेंगे हम लोग अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि हमने मान लो कि कोई ये कोई रॉड है, समझ आप लोग, और हम इस रॉड का लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हमने इसका जो लेंथ है वो फर्स्ट टाइम क्या मेजर करा था, फर्स्ट टाइम मेजर्ड वैल्यू इसका आ गया मान लो 2.50 मीटर, ये रोड थी हमने इसको फर्स्ट टाइम जब मेजर करा था, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका जो लेंथ आया था कितना आ गया 2.50 मीटर। ऐसे हम लोग सेकंड टाइम मेजर कर रहे हैं इसको, सेकंड टाइम मेजर वैल्यू मान लो आ गया 2.48 मीटर आ गया। ऐसे अगर हम लोग इसको थर्ड टाइम मेजर कर रहे हैं तो मान लो थर्ड टाइम आ गया 2.52 मीटर। कोई रोड था जिसको हमने तीन टाइम मेजर करा है, चाहे तो और भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन का हम लोग तीन ही ले रहे हैं, तो हमने इसको तीन टाइम मेजर करा, फर्स्ट टाइम तो आया 2.50, सेकंड आया 2.48, फिर आया 2.52 मीटर। तो अगर हम इसका मीन निकालना चाहें किसको, एब्सोल्यूट एरर को देखने के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू हमको पता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू तो हमारे पास है बट ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ट्रू वैल्यू को देखने के लिए हम इसको मीन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए मीन इज इक्वल टू इन सभी वैल्यूज को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता है जो फर्स्ट मेजर वैल्यू थी हमने वहाँ पे क्या लिया था ए वन, इसको क्या लिया था हमने ए टू, इसको हमने क्या मान लिया था ए थ्री, तो इन सभी वैल्यूज को जोड़ देंगे, ए मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अपॉन कितने, क्योंकि कितने टाइम लिए हमने तीन टाइम लिए, तो तीन टाइम हो जाएंगे। तुमको पता है ए वन का वैल्यू कितना है 2.50, ए टू का वैल्यू कितना है 2.48, ए थ्री का वैल्यू कितना 2.52 अपॉन कितने टाइम लिया है तीन टाइम लिया है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ए मीन इज इक्वल टू इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करके 2, 8, 10, 10, 0, 1, 1 और 5, 6, 6, 4, 10, 10 और 5, 15, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7.50 upon 3। इसको हम लोग काटेंगे, 3 से काट देते हैं इसको, 3, 2, 6 हो जाएगा 1, 15, 3, 5, 15 हो जाएगा और 0, तो 2.50, तो कितने बार कैंसिल आउट हो गया ये 2.50, क्या गया इसका मीन आ गया है 2.50 मीटर जो है इसका क्या गया है मीन। तो अब हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि मीन तो आ गया कितना 2.50 मीटर, अगर हम इसका एरर निकालना चाहें क्या, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम इसका जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जिसको हम लोग शो किससे कर रहे थे डेल्टा ए वन से, तो मीन वैल्यू में से हम लोग इसका ट्रू वैल्यू में से हम लोग इसका मीन वैल्यू कटा देंगे, तो ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 2.50 मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू वैल्यू, जो अर्थमेटिक मीन आता है। तो 2.50 में से हम लोग किसको घटाएंगे, जो फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व करा था चीज़ों को ए वन को, तो क्या कितना है वो 2.50 मीटर है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.00 मीटर आ जाएगा।
ऐसे ही सेम टू सेम डेल्टा ए टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.50 माइनस सेकेंड टाइम पर ऑब्जर्वेशन में कितना था, 2.48 मीटर। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 मीटर आ जाएगा। और ऐसे हम लोग थर्ड टाइम निकालेंगे तो डेल्टा ए थ्री कितना हो जाएगा, 2.50 माइनस कितना आया था, 2.52 इज इक्वल टू, जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.02 मीटर आ जाएगा, ये माइनस क्या आएगा, समझे आप लोग। तो इस तरीके से हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर हैं इनका मीन निकाल लेते हैं। तो इसका मीन हम लोग इधर देख लेते हैं, डेल्टा ए मीन, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, जितनी भी वैल्यू आई हैं, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, क्योंकि हमने तीन टाइम लिए तो और भी होंगे तो और भी ऐड हो जाते, अपॉन थ्री हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मोड क्यों लगाया है, ये जो निशान आप देख रहे हैं किसका है, मोड का निशान है। तो मोड का मतलब ये है कि जितने भी एरर हमने लिए हैं वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रख देते हैं तो मोड के बाहर जब वैल्यू निकलेगी तो वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू भी अगर मोड के अंदर होगी तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे डेल्टा ए वन कितना आया था हमारे पास, 0.00 मीटर, 0.00 मीटर प्लस डेल्टा ए टू कितना आया था, 0.02 मीटर आया था। ऐसी डेल्टा ए थ्री कितना आया था हमारे पास, अगर इसको ऐड करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जब डेल्टा ए थ्री ये माइनस का है, इसको जब मोड के अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, तो सारे एरर हम प्लस में ले रहे हैं, अपॉन थ्री। हम इस सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04 अपॉन थ्री हो जाएगा, 0.013 के समथिंग आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्या आया है, जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन आया है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर जो आया है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर जो आया वो कितना है, 0.013। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो हमने जो रोड लिया था जिसका हम लोग लेंथ मेजर कर रहे थे, जैसे हमने फर्स्ट टाइम करा था 2.50, 2.48, 2.52, तो इसका जो रियल लेंथ है, रियल लेंथ जो है इसका, जिसको हम लोग पूरा इसका जो फुली करेक्ट वैल्यू है वो कितना है, जो हमने इसका मीन निकाला था कितना आया था, मीन जो हमने निकाला था 2.50 मीटर आया था, कितना, 2.50 मीटर। तो इसका जो एरर आ रहा है वो प्लस माइनस 0.013। तो इसका जो रियल लेंथ है किसका, इस रोड का जो रियल लेंथ है, जो इसकी वास्तविक लंबाई है किसकी, रोड की, वो 2.50 से या तो 0.013 अधिक है या फिर 0.013 कम है।